बड़े बुजुर्गों के स्वस्थ रहने के 21 नियम। अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर 1, रोजाना टमाटर या टमाटर से बने जूस का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 2, जलेबी को गर्म दूध के साथ खाने से कमर दर्द, थकान, सर्दी और जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। नंबर 3, यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो सुबह सूरज की रोशनी में बैठें। सुबह सूरज की रोशनी में बैठने से विटामिन डी की कमी नहीं होगी। नंबर 4, अगर कब्ज की समस्या रहती है तो रोजाना शाम के समय पपीते का सेवन करें। नंबर 5, आलू उबालकर आलू वाले पानी से पैर धोए जाएं तो पैर गोरे हो जाएंगे। नंबर 6, दुनिया का सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने वाला आलू चिप्स है। आलू चिप्स खाने से जितना वजन बढ़ता है उतना वजन पिज्जा या बर्गर खाने से नहीं बढ़ता। नंबर 7, बुखार की वजह से मुंह का स्वाद बिगड़ गया है तो एक लौंग मुंह में रखकर कुछ देर चूसने के बाद चबा कर खा लें। ऐसा करने से मुंह का स्वाद अच्छा हो जाता है। नंबर 8, शरीर को खूबसूरत और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो रोजाना खुली हवा में लंबे लंबे सांस लें और कुछ देर पैदल चलें। नंबर 9, जो औरतें भैंस के दूध में चना भिगोकर खाती हैं उनका शरीर दुबलापन दूर होता है और शरीर को ताकत मिलती है। नंबर 10, ज़्यादा मीठी चाय पीने से मोटापा जल्द बढ़ने लगता है। नंबर 11, रात को सोने से पहले सौंफ का सेवन करने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके लिए 1 चम्मच सौंफ के साथ 2 बादाम खाएं। इससे बहुत ही अच्छे से फायदा मिलेगा। नंबर 12, यदि आप पेशाब जाते समय अपने दांतों को दबाए रखते हैं तो दांत मजबूत रहेंगे और कभी भी आपको लकवे की बीमारी नहीं होगी। नंबर 13, कच्चा सुहागा पानी में पीसकर दिन में 3 से 4 बार दाद या खाज खुजली की जगह पर लेप करने से आराम मिलता है। नंबर 14, रात के समय चाय पीने से बचें क्योंकि रात के समय चाय पीने से दिमाग कमजोर होता है। नंबर 15, रोजाना भुने हुए चने खाने से दिमाग ताकतवर हो जाता है और याददाश्त बढ़ती है। नंबर 16, अगर आपके होठ काले हो गए हैं तो अनार के बीज और मक्खन का पेस्ट बनाकर अपने होठों पर लगाएं। इससे होठ गुलाबी और मुलायम हो जाएंगे। नंबर 17, अगर आपको आपकी लंबाई बढ़ानी है तो विटामिन डी का अधिक सेवन करें। नंबर 18, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। नंबर 19, सेब का जूस निकालकर इसमें अदरक का रस मिलाकर पिएं। इससे टाइफाइड बुखार में राहत मिलती है। नंबर 20, रात को अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खतरा कम रहता है। नंबर 21, फ्रीज में ब्रेड को नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा खुले में सामान्य तापमान पर रखना चाहिए। इससे ब्रेड जल्द खराब नहीं होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। निरोगी रहें। धन्यवाद।